दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हमला किया था। यह हमला इतना खतरनाक था कि इसकी वजह से एक ही पल में लाखों जिंदगियां तबाह हो गई थी। इस तबाही का सदमा ये दोनों शहर आज तक नहीं भूल पाए हैं, और इस हमले के बाद भी कई सालों तक इस इलाके में जन्मे सभी लोग रेडिएशन के कारण किसी न किसी बीमारी के साथ ही जन्म लेते हैं। ये मंजर कुछ ऐसा था कि मानो एक तूफान आया हो और सब कुछ तबाह करके चला गया हो। उस दिन इन दोनों शहरों में सिर्फ लाखों लोगों की दर्द भरी चीखें ही गूंज रही थी। वही हमले के बाद कई लोग रेडियो एक्टिव और काली बारिश की चपेट में भी आ गए थे। इन दोनों हमलों से आप समझ सकते हैं कि परमाणु बम कितने खतरनाक होते हैं। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम फैटमैन था। दोस्तों, इस हमले के पीछे क्या कारण रहा होगा और इन दोनों शहरों को क्यों टारगेट किया गया होगा, और आज के टाइम में ये दोनों शहर किस तरह दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है रियलिटी ऑफ हिरोशिमा नागासाकी। On August 6, 1945, the United States dropped an atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima. A massive bomb has been loaded. 6.5 hours later, it dropped a nuclear weapon or atomic bomb on the city of Hiroshima. 9:15. The bomb is dropped. 76 साल पहले 6 अगस्त को सुबह 8:15 पर अमेरिका के एनोला गे विमान ने हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बम गिराया। उस वक्त वहां का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया था। करीब 10 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। हवा की गति काफी तेज हो गई। विस्फोट और थर्मल किरणों से बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए। हिरोशिमा की आबादी उस वक्त करीब 3,50,000 थी। इनमें से 43,000 जापानी सैनिक थे। लिटिल बॉय के नाम से जाने जाने वाला यूरेनियम हथियार को जब हिरोशिमा पर गिराया गया, तब वह 1850 फीट की ऊंचाई पर फटा। इसकी क्षमता 12.5 किलो टन TNC के बराबर थी। अगले दिन न्यूयॉर्क डेली न्यूज का हेडलाइन था, बेयर सीक्रेट वेपन एटम बम जापान मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन यूनिवर्स। 3 दिन के बाद 9 अगस्त को 11 बजे नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बम गिराया गया। इसकी आबादी उस वक्त करीब 2,70,000 थी। वही नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम बम गिराया गया, जिसका 22 टन TNC के बराबर विस्फोट हुआ। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 76 साल पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था। इसके 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। 1.5 लाख से अधिक लोगों की पल भर में ही जान चली गई, और जो बच गए वो अपंगता के शिकार हो गए। दूर दूर तक के इलाकों में घंटों तक काली बारिश होती रही, और रेडियो एक्टिव विकिरण ने जिंदादिली से भरे इन दोनों शहरों में कहर बरपा दिया। चारों तरफ मौत का मंजर पसरा था। वक्त बीतता गया, लेकिन तबाही थमी नहीं, और आने वाले कई सालों तक इसका असर दिखा। दुनिया के इतिहास में इतनी भीषण जंग पहले कभी नहीं हुई थी। इस जंग के नतीजे सबको पता है, इसलिए कई एक्सपर्ट्स परमाणु हथियारों को युद्ध न होने की गारंटी भी बताते हैं। 1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक स्थिति की ओर पहुंच रहा था, लेकिन जापान के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये समय अमेरिका ने वो कदम उठाया जिसका न तो दुनिया में किसी को इल्म था, और न ही भविष्य में कोई ऐसा मंजर देखना चाहेगा। 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बज रहे थे, हिरोशिमा पर परमाणु बम का जोरदार हमला हुआ। यह हमला इतना खतरनाक था कि कुछ ही पल में 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल गए। 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा शहर का 80% हिस्सा जलकर राख हो गया। तबाही यही नहीं थमी, इसके बाद हजारों लोग परमाणु विकिरण से जुड़ी बीमारियों के चलते मारे गए। एक अध्ययन से पता चला कि बम गिरने की जगह के 29 किलोमीटर क्षेत्र में काली बारिश हुई थी, जिससे मौतें बढ़ी, और इस काली बारिश ने अपने संपर्क में आने वाली सभी चीजों को दूषित कर दिया। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु बम के हमले से जापान अभी उभरा ही नहीं था कि 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम हमला हो गया। नागासाकी पर गिराया गया बम हिरोशिमा से भी ज्यादा शक्तिशाली था। नागासाकी में 9 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे परमाणु बम गिराया गया। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। विस्फोट के बाद परमाणु विकिरण के संपर्क में आने और विस्फोटों के बाद हुई काली बारिश से भी दोनों शहरों में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। काली बारिश क्या है? इस परमाणु हमले से नष्ट हुई इमारतों का मलबा और कालिक बम से निकले रेडियो एक्टिव पदार्थ के साथ मिलकर वातावरण में एक मशरूम रूपी बादल के रूप में प्रकट हुआ था। यह पदार्थ वायुमंडल में वाष्प के साथ ही संयुक्त हो गए, जिसके बाद काले रंग की बूंदें धरती पर गिरने लगी। काली बारिश से बचे लोगों ने बताया कि वो जो बारिश की बूंदें थी वो सामान्य बारिश की बूंदों से काफी बड़ी थी। इस घटना में जीवित बचे लोगों के अनुसार घटना के शिकार हुए बहुत से लोगों की शरीर की खाल जल गई थी। काली बारिश बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ से घुली हुई थी।
इस पर हुए एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि इस बारिश के संपर्क में आने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो गई थी। 1945 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ग्राउंड जीरो से तकरीबन 29 किलोमीटर के क्षेत्र में काली बारिश हुई थी। इस बारिश ने अपने संपर्क में आने वाले सभी चीजों को दूषित कर दिया था। काली बारिश ने कई लोगों को बीमार किया था। कुछ लोग कैंसर से ग्रस्त हो गए तो कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। जमीन और आसमान से लेकर पानी भी दूषित हो गया। हिरोशिमा पर अमेरिकी परमाणु हमले को 1941 के अमेरिका के नौसैनिक बेस पर किए गए जापानी सैनिकों के हमले का बदला माना गया। अमेरिका को उम्मीद थी कि परमाणु हमले के बाद जापान सरेंडर कर देगा। नागासाकी के हमले के 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त के समर्पण करने की घोषणा भी कर दी थी और इसी के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध भी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गए। तेरुको 15 साल की थी जब वह 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में हुए परमाणु बम हमले में जीवित बच गई थी। बमबारी के वक्त तेरुको हिरोशिमा रेड क्रॉस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्कूल में दूसरे साल में थी। बम के टकराने के बाद अस्पताल की डॉक्यूमेंट्री में आग लग गई थी। तेरुको ने लैपटॉप को बुझाने की कोशिश की लेकिन उनके कई साथी छात्र इसमें जलकर मर चुके थे। हमले के बाद उन्हें इतना ही याद था कि उन्होंने दिन रात बुरी तरह से जख्मी हुए लोगों का इलाज किया जबकि उनके पास खाने पीने के सामान ना के बराबर थे। ग्रेजुएशन के बाद तेरुको हॉस्पिटल में काम करती रही जहाँ उन्होंने स्क्रीन ग्राफ्ट के ऑपरेशन में मदद की। मरीज की जान से खाल लेकर इसे जलने की वजह से विकसित होने वाले केलोइड जख्म वाली जगह पर ग्राफ्ट किया जाता था। बाद में उनकी शादी एक लड़के से हो गई थी जो खुद भी परमाणु बम हमले में जीवित बच गया था। तेरुको गर्भवती हुई तो उन्हें चिंता हुई कि क्या उनका बच्चा स्वस्थ होगा और क्या वे जीवित बच पाएगा या नहीं। उनकी बेटी तोमुको पैदा हुई। उनका स्वास्थ्य अच्छा था। वे कहती है मुझे नर्क के बारे में नहीं पता लेकिन जिस सबसे हम गुजरे शायद वही नर्क है। ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। वे कहती है कि परमाणु हथियारों को खत्म करने की दिशा में पहला कदम स्थानीय सरकारी नेताओं को उठाना चाहिए। परमाणु हमले के बाद रेडियो एक्टिव विकिरण के शिकार हुए जापानी लोगों की अदालती लड़ाई 76 साल बाद अब भी जारी है। अभी 6 महीने पहले ही वहाँ के हाई कोर्ट ने काली बारिश से पीड़ित 84 लोगों की याचिका पर उन्हें मेडिकल सुविधाएं देने के पक्ष में फैसला दिया। हमले से प्रभावित लोगों को फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिन्हें जापान में हिबाकुसा के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जापान सरकार ने गंभीर रूप से प्रभावित हुए लोगों को फ्री में स्वास्थ्य देने की घोषणा की थी। साथ ही सरकार ने कुछ इलाकों को गंभीर रूप से प्रभावित घोषित किया था। हमले के वक्त जो शहर से बाहर थे वे भी हमले के बाद हुई काली बारिश की चपेट में आ गए थे। कुछ तस्वीरें जो दुनिया के माथे पर एक कलंक की तरह छप गई थी। ऐसी तस्वीरें इंसान के अंदर छुपे उस हैवान की झलक दिखाती है जो अपनी जिद के आगे करोड़ों मासूमों की जान के बारे में एक बार भी नहीं सोचता। इतिहास की कई घिनौनी सच्चाइयों को उजागर करती एक ऐसी ही तस्वीर है दूसरे विश्व युद्ध की जो आज भी सामने आने पर आत्मा को झकझोर देती है। यह तस्वीर खींचने वाला फोटोग्राफर जॉय ओडेनल तब 23 साल के थे। इस फोटोग्राफर ने नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के बाद यहाँ की तस्वीरें ली थी। इस फोटोग्राफर को अमेरिका सेना द्वारा जापान पर किए गए परमाणु हमले के बाद वहाँ हुए नुकसान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। सितंबर 1945 से अगले 7 महीने तक वहाँ की तस्वीरें ली थी। उन्होंने कहा कि मैंने करीब 10 साल के एक लड़के को वहाँ देखा था। वे अपनी पीठ पर एक बच्चे को लेकर जा रहा था। उन दिनों जापान में हम अक्सर बच्चों को अपने छोटे भाई बहनों के साथ उनकी पीठ पर खेलते हुए देखते थे लेकिन इस लड़के की कहानी बहुत अलग थी। मैंने देखा कि वे लड़का यहाँ किसी गंभीर कारण की वजह से आया है। उसके पैरों में जूते नहीं थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी पीठ पर बंधे बच्चे का सिर पीछे की ओर झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो बच्चा गहरी नींद में सो रहा हो। लड़का वहाँ 5-10 मिनट तक खड़ा रहा। फोटोग्राफर ने बताया कि उस लड़के के पास एक सैनिक आया और उसने उस लड़के से कहा कि तुमने जो बोझ अपनी पीठ पर ले रखा है उससे मुझे दे दो। इस पर उस लड़के ने जवाब पे कहा कि ये बोझ नहीं मेरा भाई है। इसके बाद उस लड़के ने अपने मृत भाई को उस सैनिक के हवाले कर दिया। फोटोग्राफर को इसके बाद ये पता चला कि उसका भाई मर चुका है। फिर उस सैनिक ने शव को पकड़कर आग पर रख दिया। देखते ही देखते आग की लपटों ने उसके मृत भाई को अपने में समा लिया और इसी तस्वीर को जापान की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शहर के क्या हालात थे? विस्फोट और गर्मी के चलते लोगों के शरीर से त्वचा लटक रही थी। पेड़ों की पत्तियां जड़ चुकी थी। एक सोशियोलॉजिस्ट ने बताया कि शहर का एक पार्क लोगों के शवों से भरा हुआ था। वहां मैंने एक बहुत ही डरावना दृश्य देखा। कुछ छोटी लड़कियां वहां पड़ी हुई थी जिनके न केवल कपड़े फटे थे बल्कि उनकी त्वचा भी शरीर से अलग हो गई थी। मेरे दिमाग में तत्काल ये ख्याल आया कि ये नरक से कम नहीं है। जैसे मैंने अक्सर सोचा है हिरोशिमा आग में जल रहा था। विस्फोट के थोड़ी देर बाद काली बारिश शुरू हो गई थी। इसमें रेडियो एक्टिव
तत्व मौजूद थे। सोशियोलॉजिस्ट ने बताया कि 20 साल की सिबायामा हिरोशी, जो हमले के समय शहर से बाहर थी, वो हमले के कुछ घंटों बाद हिरोशिमा पहुंची। कुयोबासी नदी को पार करते समय उसने एक दृश्य देखा जो नरक की याद दिलाता है। नदी में कई लोगों के शव तैर रहे थे। उनके चेहरे का साइज सामान्य से 2 गुना हो गया था। उनके पैर लकड़ी के जैसे टाइट हो गए थे। धमाके के बाद पूरे शहर में भूरे और काले रंग के बादल छाए हुए थे। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों में 1.2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 50% लोग विस्फोट के दिन ही मारे गए थे। वहीं 80 से 100% लोगों की रेडिएशन और घायल होने के बाद जान चली गई। 5 महीने के भीतर हिरोशिमा के 3,50,000 की आबादी में 1,40,000 लोग मारे गए, जबकि नागासाकी के 2,70,000 की आबादी में 70,000 लोगों की जान चली गई। परमाणु हमले के लिए जापान ही क्यों? 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते होते जापान और अमेरिका के रिश्ते भी खराब हो गए, खासकर तब जब जापान की सेना समुद्री क्षेत्रों पर कब्जा करने के इरादे से इंडो चाइना को निशाना बनाने का फैसला किया। इसलिए अमेरिका राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने आत्मसमर्पण के लिए जापान पर हमला किया। हैरी ट्रूमैन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने चेतावनी दी थी, जापान या तो समर्पण करे या पूरी तरीके से विनाश के लिए तैयार रहे। हम जापान के किसी भी शहर को हवा से ही खत्म करने की ताकत रखते हैं। 26 जुलाई को जर्मनी में पोट्सडैम की घोषणा हुई, जिसमें जापान को आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी गई थी। जापान के समर्पण नहीं करने के कारण 1 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तारीख तय की गई, लेकिन तूफान के कारण इस दिन हमले को रोकना पड़ा। इसके 5 दिन बाद ये हमला किया गया। हिरोशिमा और नागासाकी के चुने जाने के पीछे कई कारण थे। ट्रूमैन चाहते थे कि शहर ऐसे हो जिन पर बम गिराने का पर्याप्त असर हो, जिससे कि जापान की युद्ध क्षमता को सबसे ज्यादा नुकसान हो सके। चेतावनी भी दी गई थी। ट्रूमैन ने जापान को चेताया था कि अगर उसने समर्पण नहीं किया तो अमेरिका जापान के किसी भी शहर को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तैयार है। अगर जापान उनकी शर्तों को नहीं माना तो वे हवा में बर्बादी की बारिश देखने के लिए तैयार रहे। उन हालातों में जापान ने कोई समझौता नहीं किया। फिर अमेरिका ने बम गिराने का फैसला कर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। हालांकि परमाणु हमले के तत्काल बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था। उस सुबह हवाई हमले की चेतावनी जारी हुई थी। इस वजह से रिको घर पर ही रुक गई थी। जब ये लगा कि सब ठीक है तो वह पड़ोस के मंदिर चली गई, जहाँ पर उनके पड़ोस के बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। बार बार हवाई हमलों की चेतावनी के चलते बच्चे स्कूल जाने के बजाय मंदिर में पढ़ने के लिए इकट्ठा होते थे। 40 मिनट बाद शिक्षकों ने कक्षा बंद कर दी और रिको घर आ गई। रिको बताती है, मैंने घर के अंदर पाव रखा ही होगा कि अचानक मेरी आंखें तेज रोशनी से बंद हो गई। ये पीली और नारंगी रंग की थी। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तब तक सब कुछ सफेद हो गया था। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हमें एयर रेड शेल्टर के बारे में बताया गया था। ये समय मुझे जैसे ही होश आया, मैंने अपनी माँ की तलाश की और हम पड़ोस के एयर रेड शेल्टर में पहुँच गए। मुझे खरोंच तक नहीं आई थी। मैं माउंट कानपिरा की वजह से बच गई थी, लेकिन पहाड़ के दूसरी तरफ के लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। वहाँ भीषण तबाही हुई थी। मेरी माँ ने चादर ली और दूसरी महिलाओं के साथ पास के कमर्शियल कॉलेज में पहुँच गई। वहीं पर काफी लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोगों ने पानी मांगा। मुझे उन्हें पानी देने के लिए कहा गया। मैंने एक कटोरा उठाया और पास की नदी से ही उसे भरा और उन्हें पीने के लिए दे दिया। पानी का घूट पीते ही वे मर गए। एक के बाद एक लोग मरते गए। गर्मियों का वक्त था। कीड़े और बदबू के डर से सबों का तुरंत अंतिम संस्कार करना पड़ा। अब ऐसा दिखता है हिरोशिमा और नागासाकी। तबाही के बाद दोबारा इस शहर को बसाने में जापान ने काफी मेहनत की थी। आज ही अच्छा खासा एक शहर है। यहाँ की आबादी करीब 12 लाख है और यहाँ की आबादी काफी घनी भी है, लेकिन सिस्टमेटिक डेवलपमेंट और जल स्रोत के बेहतर मैनेजमेंट के कारण आज हिरोशिमा काफी सुंदर शहर के रूप में दिखता है। देश की राजधानी टोक्यो के साथ ही चीन, ताइवान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के लिए अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स भी यहां से सीधा उड़ान भरती है। हिरोशिमा की सड़कों के बीच में चलने वाली स्ट्रीट कार और लाइट रेल व्हीकल खासकर जापान भर में मशहूर है। लाखों की तादाद में सैलानी दुनिया भर से हर साल यहाँ आते हैं। हिरोशिमा में मेमोरियल और म्यूजियम लोगों को परमाणु हमले की तबाही के निशान याद दिलाते हैं। नागासाकी जापान के दक्षिण पश्चिम क्यूशू द्वीप में समुद्र के किनारे स्थित है। ये शहर 405 किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। आज नागासाकी एक पोर्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। खासकर यहाँ की जहाज निर्माण इंडस्ट्री बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने का साधन साबित हुआ है। परमाणु हमले से दुनिया क्या सबक ले सकती है?
परमाणु बम हमले की मार झेल चुका जापान आज अपनी तकनीक और मेहनत की बदौलत दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा साफ है कि वे देश में परमाणु हथियारों का उत्पादन या अनुमति नहीं देगा। परमाणु तकनीक को केवल वे शांतिपूर्ण तरीके से ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल का समर्थन करता है। हालांकि दुनिया की आज की तस्वीर जापान जैसी नहीं है। दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस तेज होती जा रही है। दुनिया के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था सीपरी के अनुसार वैश्विक रूप से परमाणु हथियारों की संख्या पिछले साल से और अधिक बढ़ गई है। साल 2020 में 3,720 परमाणु बम दुनिया भर में तैनात थे। वही साल 2021 में 3,825 परमाणु हथियार कभी भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हालात में रखे गए हैं। सीपरी के अनुसार 9 परमाणु सशस्त्र देश इस रेस को बढ़ा रहे हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में इन देशों के पास कुल 13,080 परमाणु बम है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।